मैं जानता हूं क्या जानता हूं पता है मैं जानता हूं कि सच्चाई का रस बहुत गंदा है पर संघर्ष ही सफलता का फंदा है दूसरों की नहीं अपने दिल की सुने मेरे यार क्योंकि कमियां निकालना लोगों का धंधा है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार हाँ बोल दें और आज क्या क्या मिलने वाला है ये सब देख लें प्यार से ईमानदारी से दिल से सेशन नंबर बारह होगा ये टारगेट बैच कौन सी लक्ष्य बैच थी ना एक बार सभी हाथ उठा के थोड़ा सा इशारा करें कि आप आ गए हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ठीक है डन तो भाई मैंने ये यहाँ पर एंट्री कर दिया और मैं अब आगे बढ़ रहा हूं ओके साथियों कोई एक ऐसा समीकरण जिसके कोई भी बैलू अगर पुट करें कोई भी मान रखें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएं. यल या आर उसे कहते हैं आइडेंटिटी यानी सर्वसमिका राकेश प्रजापति सचिन जसवंत दीपेश पंकज मोहित यस बचपन में आपने सर्वसमिका पढ़ा होगा बहुत बार पढ़ा होगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान नहीं होगा बस वो मैं आपको ध्यान करवा रहा हूं आज आओ देखो सर्वसमिका दो प्रकार की होती है एक होती है बीजगणितीय सर्वसमिका और एक होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमिका बीच सर्वसमिका मोटा मोटा जैसे आपने सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी का एग्जाम्पल होगा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो जो हाई स्कूल तक पढ़ा है उसे ट्रेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता होगा सुना होगा जो सिर्फ कक्षा आठ तक पढ़ा है वो यह जानता होगा लेकिन आज आप दोनों जान जाएंगे एग्जाम्पल देख लीजिए मोटा मोटा उसके बाद हम स्टार्टिंग से चलेंगे ये बीज गणित सर्वसमिका है इनके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लाए हैं और यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा त्रिकोण सर्वसमिका का भी वही काम होता सिंपल सा ठीक है इसके पहले मैं समीकरण ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं समीकरण क्या होता है ये समीकरण का ही एक रूप है बस ठीक है इक्वेशन का क्या है एक रूप है सभी फ्री क्लास की अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम इंफॉर्मेशन देते हैं व्हाट्सएप पे कुछ नहीं मिलता भैया ठीक है तो अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं घर बैठे तो फिर ये बात माने मेरी आइए अब स्टार्ट करते हैं अब तक स्टार्ट नहीं हो रही थी ये ट्रायल हो रहा था लक्ष्य बैच है ये भूलना नहीं बीच बीच में याद रहे और एक प्रकार से ये डेमो है अगर आप फुल कोर्स कम समय में चाहते हैं तो पीवीआर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे आज का टॉपिक है साथियों सर्वसमिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी व्हाट इज आइडेंटिटी आपने सुना होगा आइडेंटिटी कार्ड वो अलग चीज है यहां आइडेंटिटी नहीं है आइडेंटिटी है ओके ये भी एक प्रकार की समीकरण है यहां पर देखो क्या लिखा है दिख रहा है प्यार से देखो एक या एक से अधिक चरों वाला चर मीनस वेरिएबल्स का समीकरण ठीक है एक या एक से अधिक चरों वाला यहां एक चर राशि में समीकरण नहीं दो चर राशि में समीकरण ऐसी कोई बात नहीं है एक या एक से अधिक क्या एक या एक से अधिक वेरिएबल्स वाला इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं सर्वसमिका संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट होती है ठीक है दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल्स के एवरी वैल्यू के लिए बोथ साइड इक्वल हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पार्ट बराबर हो बैलेंस हो कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो क्या कहलाता है सर्वसमिका कहलाती है ये भी एक प्रकार का इक्वेशन होता है देखो ऊपर लिखा है यह क्या इक्वेशन है अभी सारी बातें आगे क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सबर रखें तफली बनाए रखें प्रियांशु हां लाइव चल रहा है राकेश प्रजापति जसवंत चौहान नरगिस आइए क्लियर करते हैं इधर साइड में सबर रखो थोड़ा सा सर्वसमिका दो प्रकार की होती साथियों एक बीज होती है जिसे अल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं एक होती है आपकी त्रिकोण मितय सर्वसमिका जिसे टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे बीज आइडेंटिटी एंड टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होते हैं अगले दस मिनट पंद्रह मिनट में हम गहन अध्ययन करेंगे तफल्ली है सभी को ना हम्म जसवंत कह रहे हैं टेलीग्राम चलाती हो फलानी बेटा ब्लॉक करने में देर नहीं लगेगी तुम्हें ठीक है पढ़ाई ध्यान दो बीजगणित सर्वसमिका क्या होती है चर राशि में ऐसा संबंध जिसमें दो पक्ष बराबर हो बीजगणितय सर्वसमिका कहलाती है जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए ये छोटा सा एग्जाम्पल था सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इसमें इधर तो कुछ नहीं किया गया ऐसे लिख लिया गया इधर ये दोनों आपस में सब ट्रेक हो गया घट गया क्योंकि इन दोनों में समानता थी दोनों सजातीय पद थे वेरिएबल्स एंड कंस्टेंट पढ़ा होगा पढ़ाया था है ना कुछ बुझा रहा है दिमाग में आइए अभी और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा यहां पे कम समझ में आएगा इन दोनों में समानता कैसे है मैं वो दिखा रहा हूँ देखो तफलीफ देखो दिख रहा है इतना बड़ा इतना बड़ा देखा है क्या मतलब है समझो चलो भैया जा रे दादा रिफ्रेश कर रहा है चलो तो ये मिटेगा क्या चाचा तो मिटबो ना करी है वो ठीक है कोई बात नहीं जाने दो इनको हटाओ इनको अपने घर भेजो चलो देखो मैं बताता हूँ इनको कैसे मिटेंगे ये जुगाड़ हम लोग जुगाड़ी हैं ये ले देखो इसपे काली पेन चला देंगे कालीख लगा देंगे कहे ना मुंह करिया करवा लू चला अब नहीं दिख रहा होगा ना ठीक है चलो साथियों इन्हें सर्वसमिका क्यों कहते हैं क्यों जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं नहीं आ, दुनिया में बेईमान टाइप के जिन्हें सच्ची एग्जाम्पल समझो बेवफा कहते हैं प्यार मोहब्बत में वो किसी के साथ भी खुश रहते हैं समझ रहे हो जहां से उनका काम चले उन्हीं के साथ खुश जहां से काम निकला उनको किनारे किया वैसे है ये कैसे देखो इनमें आप जो वेरिएबल्स है उसकी कोई भी वैल्यू पुट करो कुछ भी रखो सब दोनों पक्ष बराबर आएगा हमेशा कोई भी मान जबकि समीकरण सच्चा होता है उसमें जो वेरिएबल्स होता है उसको सिर्फ एक मान रखने पर कोई भी एक निश्चित मान होगा तभी दोनों पक्ष बराबर होगा अन्यथा नहीं होगा लेकिन इसमें सब कुछ हजम होगा जैसे देखो एग्जाम्पल चलो यक्ष बराबर जीरो रखने पर बताओ मान कितना आएगा हल करके फटाफट देखो साथी मेरे जीरो रखेंगे इसमें जीरो प्लस थ्री इसका स्क्वायर इक्वल जीरो का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू जीरो यहां पे जीरो प्लस नाइन समझो अब जीरो में थ्री एड करोगे तो क्या बचेगा भैया बाबू थ्री रहेगा और थ्री का जो तुम स्क्वायर करोगे तो नाइन आएगा 0 का जीरो का स्क्वायर जीरो सिक्स का जीरो में जीरो प्लस नाइन जीरो 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 कितना बार जोड़ो रहेगा नाइन बोलो दोनों बराबर आया आया ना ये वैसे वफादार इंसान है जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं समझ रहे हो ना पता नहीं वो कौन सी नशा करता है और यार मेरा हर किसी से अब वफा करता है सुने हो कि नहीं वैसा कुछ है सचिन सेन दीपेश अनुराग सिंह वेलकम बहुत-बहुत वेलकम बहुत, बहुत, सभी का चलो देखो आगे आ, अब ये x की मैंने एक वैल्यू पुट करके आपको दिखा दिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेना चाहो ले लो फट से हो गया आगे बढूं चलो मैं इसको मिटाऊंगा ए दादा तुम तो पूरी इज्जत का फलूदा बना दिया रे दादा दिख दिख रहा है क्या ये ब्लैक वाला पार्ट है जो भाग रहा है ये मिटेगा नहीं कहा हो ये तो पूरी इज्जत खोल दिया मेरी यहां पे तेरी रुक जाए इसी पे चल देखो हो गया लिपा पोती हो गई ना ठीक है इनको मिटा देता हूं अगर मिट सके तो अच्छी बात है अब यक्ष का वैल्यू वन रख के मुझे बताओ कितना आएगा ये नहीं मिटेगा इसको फिर से वैसे पोतना पड़ेगा यक्ष का मान रखो फिर से और मुझे बताओ आ चलो चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ राजा आ जाओ रितना का, का है लिख रहा है ईमानदारी से बताओ कितने लोग कर लेंगे एक्स का मान वन रखने पर बोलो फट से मुंह में दही ना जमाओ वरना जिंदगी जम जाती है नरगिस, नेहा वर्तिका हम्म आ कमेंट चलो यक्स का वैल्यू जब वन पुट करोगे मेरे भाई तो मेरे यार क्या आएगा ये ये वन इस पे हो जाएगा ये थ्री है प्लस है तो प्लस और ये थ्री स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर का काम हो गया इक्वल यक्स का स्क्वायर है यानी हम यक्स की जगह पे वन पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा वन का स्क्वायर बीच में प्लस था तो प्लस सिक्स एक्स यानी स्क्वायर वन ये प्लस प्लस थ्री यानी का स्क्वायर वन प्लस सिक्स का वन में सिक्स प्लस नाइन ये हो जाएगा मेरे भाई सिक्सटीन ये हो जाएगा जोड़ डालो ये उतना तो होगा पता नहीं जी कौन सा नशा करता है और यारी मेरी आजकल हर किसी से वफा करती है हो गया बराबर हुआ कि नहीं हम्म यक्ष का कोई भी वैल्यू पुट कर लो ये हर एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होगा यही सर्वसमिका की पहचान है समझ रहे हो यही क्या है सर्वसमिका की पहचान है और जो लोग इसमें चैटिंग कर रहे हैं जो इस नए जनरेशन के लोग हैं उनकी लैंग्वेज में बोले तो एक ऐसा आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो हर किसी से वफादारी करती हो या करता हो हर किसी से समझ रहे हो जिससे भी मौका मिला सबसे वफादार किसी से हम बेमान नहीं बनेंगे धोखेबाज नहीं बनेंगे हर किसी से वफा करेंगे समझ रहे हो कि नहीं तो यानी प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है ये सटिस्फाइड है हर किसी से सेफाइड है या हर किसी से खुश है कुछ भी रख के देखो अब और कैसे समझाऊं तुम्हें बताओ क्या रखूं यक्स का मान अब बताओ कोई और बताएगा कुछ कोई और मान रख के दिखाऊं? चलो एक लास्ट एक लास्ट दिखाता हूं चलो अब माइनस में अब तक तो प्लस में था माइनस में यक्स बराबर माइनस का चार रखने पर कुछ भी रख दो माइनस प्लस दोनों पक्ष बराबर आएगा कुछ भी रख दो लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं ऐसा कुछ लोग हैं पता है कौन बताएंगे चलो देखो यक्स का वैल्यू क्या रखोगे फोर माइनस में तो ये हो जाएगा भाई साहब यहां ध्यान से देखो माइनस फोर और बीच में प्लस और ये थ्री और इसका ये स्क्वायर आया समझ में बीच में इक्वल था तो ये इक्वल लगाया एक्स की वैल्यू यहां पर माइनस फोर पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर ओके okay? बीच में फिर से प्लस का साइन है सिक्स इंटू एक्स का वैल्यू है माइनस फोर अब इससे छोटा मैं क्या ही पढ़ाऊं हम इससे छोटा पढ़ने लायक तो आपके लड़के बच्चे हो गए हैं अब आप क्या करोगे इससे छोटा पढ़ के फिर भी जीरो लेवल में मैं पढ़ाता हूं इससे छोटा भी आइए मुझे यह बताओ कि माइनस और प्लस इनमें क्या आएगा घटेगा जुड़ेगा एक प्लस एक माइनस हमेशा क्या होता माइनस जब भी चिन्ह दोनों अपोजिट हो आंसर हमेशा माइनस में आता है एक दिन मैं आपको बताया था कि अगर घर में कोई तो परानी में लड़ाई हो रही हस्बैंड वाइफ में तो जीत हमेशा वाइफ की होती है समझ रहे हो चाहे अपनी बात मनवा के चाहे रो के चाहे गा के चाहे लड़ाई करके कैसे भी करके तो माइनस प्लस अगर कहीं भी है तो जीत हमेशा माइनस की होने वाली है तो ये, ये क्या आएगा माइनस होगा हमेशा घटेगा और घटने के बाद चिन्ह एक बड़ा मुद्दा है पहले इनको यहां देखो बहरे निकाल के चिन्ह माइनस में आएगा या प्लस में जिस गिनती का चिन्ह बड़ा होगा वही चिन्ह उत्तर में लगता है ठीक है ये फोर है ये थ्री है ये प्लस में है या माइनस में है अब तुम्हें दिख रहा होगा कौन बड़ा है भाई साहब फोर बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा और ये दोनों घटेंगे तो वन डन hmm? कोई सही बात के लिए कोई राइट लिख रहा है इसे बच्चा राइट मतलब लिखना होता है ये जहां तक मुझे अंग्रेजी पता है ना वो राइट का मतलब ये राइट स्पेलिंग है तो ये माइनस वन का स्क्वायर होगा और माइनस फोर का स्क्वायर देखो स्क्वायर में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो सब प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा सिक्सटीन और ये देखो प्लस और माइनस गुड़ा होगा तो माइनस में आएगा और माइनस चौबीस और स्टार्टिंग में प्लस है तो कुल मिला के माइनस हो जाएगा और प्लस का नौ ये वन और ये भैया सोलह माइनस चौबीस धन सोलह उल्टा बोल रहा हूं लिख सही रहा हूं नौ no. देखो ये प्लस और ये प्लस जुड़ेगा एक लाइन और घेर रहा है लाओ तो चौबीस माइनस ए भैया कहीं गड़बड़ाएगा का हो सोलह नौ पच्चीस होता राजा बोलो आया ना बराबर आया ना बराबर मैंने कहा ना जाएगा उसी ढर्रा पे ये बोला था ना चले आगे कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं ना चलिए छाप लीजिए जिंदगी में अगर आप किसी को बहुत ज्यादा सुधारने समझाने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा बिगड़ जाता है ये मैं नहीं साइकोलॉजी कहती है चाहे आपका लड़का बच्चा हो आपकी वो हो या आपका पड़ोसी हो ये भी वही है सर्वसमिका है इसमें y की कोई भी वैल्यू पुट करो दोनों पक्ष हमेशा इक्वल आएंगे सर्वसमिका की यही पहचान है मैं बार बार चिल्ला रहा हूं आप लोग मुझे बताओ इसमें y का मान क्या रखूं बताइए y का मान क्या रखा जाए मिस चिन्नी कहां थी अब तक आप ही को तो हम खोज रहे थे कमेंट में आप दिख नहीं रही थी आप चाइना चली गई थी या चाइना से आई हो कुछ भी रख लीजिए जीरो माइनस वन माइनस टू थ्री, थ्री फाइव सेवन कुछ भी रख लो बस इतने लोग की इच्छा है चलो देखो ठीक है जिंदगी तेजी से आगे भाग रही इनको पीछे वाला समझना है ये लोग आगे वाले के लिए परेशान है चलो देखो y बराबर दो रखोगे तो क्या आएगा देखो भैया y का स्क्वायर है यानी हम कहेंगे कि दू का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर इक्वल y प्लस थ्री वाई का मान है माइनस टू तो माइनस टू प्लस थ्री वाई माइनस थ्री यानी माइनस टू माइनस थ्री दो का स्क्वायर कितना होगा चार माइनस सेवन का स्क्वायर कितना होगा फोर्टी नाइन थोड़ा हैंग करता है का माइनस प्लस भाई साहब ये हो जाएगा वन इनटू बीच में कुछ नहीं गुड़ा लगा लो ये हो जाएंगे माइनस पांच स्क्वायर भैया एक घटाओगे चच्चा तो आएगा पैतालीस ए भाई गड़बड़ाएगा का यारी एक मिनट यहाँ वैसे सत्यानाश के, के रखे हो तो कहाँ सही आएगा रुकिए 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 क्वेश्चन गलत है यहाँ पे सात है ना तो बाबू भैया यहाँ भी सात होना चाहिए यार सर्व समीकरण जानते हो ना लिखने में सवाल ही गलत था वो तो बराबर नहीं आने वाला था रुको 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 क्वेश्चन ही गलत था रुको इसको पहले सही करो अबे यार रुक जा ना तू क्वेश्चन गलत है रुके रहो देखो कहते हैं ना कि एक गांव में अगर एक है लाइट जल रही है कुल अंधेरा है तो आसान है कि जिसकी जल रही है उसकी बुझा दो और ये कुछ ही लोग में भसोट होता है कि जहां नहीं जल रही वहां जला दें तो हम क्या करेंगे एक ही जो है उसको मिटा दो उसको मत मिटाओ ये तीन कर लिया ठीक आप सही है माइनस दो रखिए माइनस दो स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर इक्वल माइनस दो प्लस तीन और ये माइनस दो माइनस तीन माइनस टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू और प्लस वन ये आएगा वन प्लस में आएगा ये माइनस तीन दो जुड़ेगा माइनस माइनस जुड़ जाता है माइनस पांच जिनको बेसिक नहीं आती वो इसे जरूर देखें अगर बेसिक तो ये समझ में आएगा कि ये क्यों जुड़ता है घटता क्यों नहीं है जीरो लेवल में सब बताता हूं माइनस पांच इक्वल ये हो जाएगा भाई साहब इनका आपस में गुड़ा हो जाएगा तो माइनस पांच दोनों बराबर आया कि नहीं बताइए क्या कहना चाहते हो कुछ है किसी के दिल में हुँ? मतलब कुछ कहना चाहते हो एक लोग कह रहे हैं फलानी मेरी फ्रेंड बनोगी तुम्हारी दुश्मन कब थी वो ये बताओ दुश्मनी कोई पढ़ लिख लो पढ़ लिख लो जिससे जिंदगी में दाल रोटी जुगाड़ हो जाए नहीं तो आने वाला टाइम बहुत मुश्किल भरा है समझ रहे हो कि नहीं हम्म और क्या ही कहूँ पहले एक स्टूडेंट को शहर में रहने के लिए महीने में सब्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ ढाई तीन सौ रुपए चाहिए होता था आराम से सब्जी आ जाती थी ढाई तीन सौ रुपए में आजकल के टाइम में पहले की बात नहीं आज के पांच सात साल पहले आज के टाइम में अगर एक नॉर्मल बंदा शहर में रह रहा है सब्जी के लिए उसे खर्चा चाहिए तो महीने का कम से कम पंद्रह सौ रुपए चाहिए तो पांच साल में पांच गुना महंगाई बढ़ी उस हिसाब से समझ रहे हो नॉर्मली मोटा मोटा आदमी के लिए बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं तो अभी जो टाइम चल रहा है जो यहाँ फ्रेंड व्रेंड बना रही हो सब लोग आगे क्या होगा भगवान जाने या तो तुम जानो वर्तिका को ब्लॉक करो एकदम परमानेंट इसके बाद ठीक है ये बहुत बात करती है ए बराबर पांच रखकर मुझे दोनों पक्ष का मान बताओ चलो बताओ कितना आएगा बताइए जवाब दीजिए कुछ लोगों को कमेंट की स्पेलिंग तो नहीं आती है कमेंट पढ़वा रहे हैं मुझसे इसीलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है कितने लोगों ने निकाला आंसर बोलो ऐसा नहीं लड़के ही गलत होते हैं लड़कियां उनसे ज्यादा गलत होती हैं अनुभव साथ बता रहा हूं समझ रहे हो हम्म कहते हैं मेरा नाम लेके कमेंट करता है जब वो एक बार नाम लेता है तो तुम तीन बार उसके सवाल का जवाब देती हो तो कह नाम नहीं लेगा अगर तो तुम ना रिप्लाई करो तो वो नाम पूछेगा तो तुम घर द्वार का सब पता बता दोगी तो फिर क्या दिक्कत है कोई निकाला मान अखंड वर्मा का आ रहा है और कोई यानी मन अच्छा तो तुम लोग वहां थोपड़ा देख रहे होगे कभी रिकाल बताए देंगे बताए देंगे फिर हम लिख लेंगे चलो चल भैया ए का मान पांच रखिए तो ये हो जाएगा पांच का क्यूब प्लस ए भाई इसमें बी का भी मान तो रखना पड़ेगा यार कोई भी एक निश्चित मान रखिए चलो बी बराबर एक रखो दोनों मान रखेंगे B का मान का मान बी का मान वन रखो तो का मान पांच बी का मान वन तो ए का मान पांच यानी पांच का स्क्वायर माइनस पांच बी का मान वन और प्लस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर ए भैया स्क्वायर कहाँ है यहां क्यूब रहा ना देखो यहां तीन था घात तो यहां कहा रहेगा क्यूब रहेगा तो ये 125 और ये वन ये पांच एक छे और ये पांच का स्क्वायर 25 माइनस ये पांच और ये एक कुछ गड़बड़ा रहा है क्या यार एक सौ छब्बीस चिन्ह उन्न ध्यान देना ये पच्चीस छक्का एक सौ पचास माइनस छे कुछ गड़बड़ हुआ कहीं मुझे लग रहा है यार क्योंकि दोनों बराबर आना चाहिए देखो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या सर्वसमिका ही तो है ना ये फिर बराबर तो आना चाहिए फिर क्यों नहीं आ रहा आखिर देखेंगे समझेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है का मान मैंने पांच रखा है तो पांच का क्यूब ये तो सही है ना पांच का घात तीन एक सौ पच्चीस होता है ना दिख रहा है ना सबको वन का क्या होता है वन का वन ही होगा कुछ भी करो पांच प्लस एक ये सूत्र तो सही है ना ऊपर एक का स्क्वायर एक ही होगा ए भैया गड़बड़ हो रहा है राजा इधर देखो यार सॉरी रुको 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 यहाँ चौपट करे हो ना हलवल करना आता है देखो देखो ना यहाँ देखो ना कहाँ गड़बड़ आया देखो इनको गुड़ा करोगे 150 आएगा माइनस पांच धन एक लेकिन तब तो नहीं हल निकलने वाला है देखो प्लस प्लस जुड़ेगा ये एक, एक में से पांच घटेगा तो एक माइनस ये इतना आएगा एक सौ छियालीस यार ये कहा से गड़बड़ हो रहा है फिर ये डज नॉट इक्वल देखो ये थोड़ा समझ के बाहर जा रहा है इसमें कहीं कुछ चूक रहा है या फिर कहीं कुछ छूट रहा है देखिए एक बार फिर से चेक करिए नहीं इसको छोड़िए इसको समझेंगे फिर बताएंगे ये सर्वसमिका में कहीं फार्मूला मिस्टेक है वैसे फार्मूला तो सही लग रहा है मुझे फिर कहां से गड़बड़ है छोड़ो जाने दो इसको फिर बाद में देखते हैं अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है ये चीज तो आपने देख लिया कई अलग अलग मान रख के इसमें भी आपने अलग अलग कई मान रख के देख लिया उसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है कहीं या तो कैलकुलेशन में या फिर कहीं सूत्र ही गलत होगा कुछ अभी दिख नहीं रहा है किसी को दिख रहा है तो बताओ कहां है कभी कभी ना अपनी छोटी सी गलती नहीं दिखाई पड़ती है चलो बाद में देखते हैं चलो अगला इसमें भी कोई मान रख के देखिए ये सर्वसमिका ही तो है इसको ट्राई करिएगा उसी का रूप ये भी है ठीक है अब बात करते हैं त्रिकोण मितीय सर्वसमिका उसको मैं देखूंगा बताऊंगा उसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है या क्या बात है वैसे है तो वो सर्वसमिका ही अगर सर्वसमिका है तो दोनों पक्ष इक्वल आना चाहिए है ना कोई और मान रख के देखें चलो इसको देखते हैं छोड़ो जाने दो सर्वसमिका का मतलब तो आप समझ गए ना दो पहले के दो तीन एग्जाम्पल में लास्ट वाले में मानते हैं बराबर नहीं आया लेकिन हाँ होता वैसे चलिए त्रिकोण सर्वसमीका पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि साइन टेन से कितने लोगों ने सुना है आज तक जिंदगी में कभी कहीं सुना है तो बोलो हाँ और ना सुना है तो बोलो ना कमेंट करो फटाक फटाक दे चलो रेशु जी उपलब्ध है या गायब अनुराग सिंह आप हैं या गए मोनिका पंकज प्रजापति ये कुछ नाम है जो अभी लास्ट तक गायब हो जाते हैं फिर बाद में आते हैं फिर डाउट पूछते सुना है अच्छा तो ठीक ही है अगर सुने हो तो फिर ठीक है, है। तो पी वी आर स्टडी ऐप अगर नहीं डाउनलोड किया हो भैया तो भैया भाजी सभी सुन डाउनलोड कर ला अच्छी बात है नहीं तो आगे गड़बड़ और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो सुने हैं तो ठीक है आइए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप जानते हो? Assign 30 का मान क्या होगा त्रिकोण अनुपात सुना है क्या होगा बताइए हम्म आइए ठीक है ये चीज आपको आना चाहिए जैसे साइन पैतालीस अंश का मान क्या होगा त्रिकोण अनुपात में ये आपको सारे मान आने चाहिए ठीक है भैया कॉट साठ का मान क्या होगा ये आपको आना चाहिए सब आना चाहिए अगर नहीं आता तो ये जो होने जा रहा है आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है हाई स्कूल में है नाइन्थ में है ठीक है देखो यहां पर जैसे वहां पर अब तक पीछे हम यक्ष का मान रख रह रहे थे कुछ तो यहां पर मेरे साथ ही हम थीटा का मान रखेंगे थीटा कोण है ठीक है थीटा क्या है है एंगल है तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मान निकालना बता देता हूं फिर मैं मान रख के बताऊंगा क्या कहना नहीं पहले भूख पैदा होनी चाहिए जब भूख पैदा होती है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है अब जो भूख ही नहीं होती है तो फिर मक्खन मलाई भी बेकार जाती है तो पहले चलो भूख पैदा करते हैं तुम्हारे देखो मान जानने के लिए थीटा बराबर तीस रखने पर यहां पर एक दो तीन चार नहीं रखोगे कोण है वो कोण तो जीरो डिग्री तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री ये वैसे मान है जिनका एक निश्चित मान आता है कहने का ऐसा नहीं तुम दो तो पाँच नहीं रख सकते रख सकते हो लेकिन उसका सारणी में कोई मान नहीं ऐसा होता है फिर वो थोड़ा लंबा हो जाता है कहानी अजीफ लेवल का आप पढ़ रहे उस लेवल में वो जरूरी नहीं है उपलब्ध नहीं तो ये साइन स्क्वायर थर्टी इक्वल वन माइनस कास स्क्वायर थर्टी भाई साहब साइन तीस अंश का मान होता है जो तुम्हें पता है एक बटा दुई होता है तो ये हो जाएगा एक बटा दुई का स्क्वायर वन माइनस कास्ट तीस का मान वो होता है जो साइन साठ का मान होता है तो ये होता है रूट तीन बटा दो इसका स्क्वायर इनको लिख लो तुम पहले लिखो ए रुकना रे लिखो लिखो इसको लिखो इनको लिख लो ये मान है याद कर लेना इसको भी बताऊंगा कैसे आता है बताऊंगा चलो तो यहां पर क्या होगा साथी मेरे ये वन अपान फोर होगा इक्वल वन माइनस देखो इसका स्क्वायर होगा तो ये तीन बचेगा और नीचे चार ठीक है इसमें से घटाओ तुम देखो कितना आएगा तुम्हें इतना तो आता ही है इतने तो बहादुर हो ही वन माइनस थ्री अपर या फोर एक बटा चार आएगा कि नहीं आएगा ना अगर आपको ये भी नहीं आता ना तो जीरो लेवल मैथ सीखिए जहां पर पढ़ाते नहीं सिखाते हैं सावन बैच अभी चल रहा है एप्लीकेशन में अगर ये भी नहीं पता कैसे हुआ तो इसके आगे मैं क्या कह सकता हूं आपको स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हैं आजकल परीक्षा के पहले लौंडो को पेपर मिल जाता है फिर वो नहीं पास होते हैं एक हम लोग का जमाना था जिसमें बस यही पता चल जाए कि इस पार्ट से आए ना आए चटनी जैसे चाट डालते थे बराबर हो गया ना इसमें आप थीटा का कोई भी मान रखोगे दोनों पक्ष बराबर आएगा कुछ भी रख के देख लो निशांत तुम तो मेरे फ्रेंड बनोगे क्या तुम तो मुझी को बता दो पहले बनोगे हम्म नहीं बनोगे ना तो क्या उनके फ्रेंड बनने के लिए तड़प रहे हो मेरे बनने में तुम्हें क्या दिक्कत है देखिए एक मुख्य सर्वसमिका होती है इसमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन इसी से तोड़ मरोड़ के तीन सर्वसमिका बनती है पता है कैसे देखो इसमें एक ये होता है साथी मेरे, जब हम इसको लिख सकते हैं थीटा, वन इधर आ माइनस वन ये उधर चला जाए कॉस स्क्वायर थीटा ये इसका एक बच्चा पैदा होता है इसमें से ठीक है दूसरा का लाल इसमें कैसे होता है वो देखो अगर हम ये तो एक तरीका मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा केवल लिखें तो क्या होगा ये वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा समझ रहे हो इसी एक से निकलता है ये सब साइन का मान आ गया कॉस का तो ऑलरेडी वहां आया है अगर हम इनको ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा वन आ, प्लस है ना साइन स्क्वायर थीटा ये होगा क्या बोलो क्यों क्यों भैया होगा कि नहीं होगा हो देखो अगर माइनस का कॉस इधर छोड़ दें और साइन को उधर भेजें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा रुको 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 वन माइनस ना ठीक है रुको थोड़ा सा तो वन माइनस क्या हो जाएगा रुको एक मिनट तुमको मैं दिखाता हूं करके छोड़ो यह देखो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब दोनों तरफ का माइनस हटाने के लिए जो यहां माँगे है शुरू में माइनस है माइनस वन से दोनों तरफ गुड़ा कर दो तो ये तो प्लस में हो जाएगा ये माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन मतलब यही वाला जो यहां लिखा था वही फिर आएगा मैं थोड़ा इसको उल्टा समझ रहा था वही आएगा ठीक है तो ये तीन सर्व इन्हीं से बन जाती है एक से ठीक है बाकी ये दोनों एक है नीचे ऊपर की आइए बात करते हैं मतलब की कौन सी बात हो रही थी साथ ही मेरे यहां पर मतलब की बात ये हो रही थी कि इसमें यक्ष का सॉरी यक्ष का नहीं थीटा का कोई भी बैलू रखिए दोनों साइड इक्वल होंगे जैसे देखो इसमें तो दिखाया नहीं एक ही रख दिया तुम्हें लगा सब बराबर है कुछ और रख के देखो क्या रखें चलो देखते हैं आओ इसका स्क्रीन ले लो पहले जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए हो गया इतना देर मैं ऐसे खड़ा था फोटो खींचने के लिए अब मुझे कोई स्टाइल नहीं आती है ऐसे करके खड़ा हूं ऐसे करके चलो अरे मैं मैं सोचा कि में मैं भी आ जाऊंगा थोड़ा फोटो के जाने का शौक है हमारे देश के बड़े बड़े लोगों को हम तो छोटे लोग हैं तो थीटा बराबर तीफ रखा था मैंने अब तक अब थीटा का मान पैतालीस अंश रखो दोनों पक्ष बराबर आएगा चलिए वन माइनस कॉफ स्क्वायर फोर्टी फाइव ईमानदारी के साथ बताओ दिल पे हाथ रख के उसकी कसम खा करके कि कितने लोगों को साइन पैतालीस का मान पता है जल्दी बताओ मालूम है किसी को नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं अभी ये मान याद करने का एक ऐसा जुगाड़ बता दूंगा तुम्हें ना कि वैसा जुगाड़ अब तक जानते नहीं होंगे सारे मान आ जाएंगे जैसे जीरो डिग्री का हो गया साइन जीरो साइन तीस साइन पैतालीस साइन साठ साइन नब्बे एक सौ बीस एक सौ अस्सी साठ जो 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 सब निशांत जी निवेदन है पढ़ लो रोहित जी आप थोड़ा देखो ध्यान से जो बकवास कर रहा है उनको होल्ड करिए रोकिए यही तो एक ऐसा मान है जिनमें इन दोनों की पटती आपस में दोनों मान बराबर होते हैं तो भाई साहब ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर पैतालीस का मान इतना हो जाएगा इसका स्क्वायर वन माइनस इसका स्क्वायर वन so का स्क्वायर वन रूट टू का स्क्वायर टू वन माइनस ए भैया गड़बड़ाया जाएगा हो कैसे गड़बड़ाया जाएगा घटाइए कितना आएगा बराबर नहीं आएगा क्या ये फिर ये सर्वसमिका गलत है क्या फिर नहीं हो नहीं सकता साइन स्क्वायर थीटा माइनस होता है प्लस होता है घटाइए वन में से घटाइए छोड़ा जाएगा अरे यार कैसे गलत कैसे हो सकता है ऐसे गलत हो जाएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे देखो दो तो एक कम दो माइनस एक और दो एक बटा दो आएगा ना इनको हल करोगे एक बटा दो आएगा तो का चाहिए तो का ये दोनों बराबर चाहिए बस ना हो तो क्या बराबर आ गया ना भाई ये वन है वन में से हाफ घटाओगे हाफ बचेगा ना किसी को कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में नहीं अब इसमें मैं कोई और भी मान रख सकता हूं थीटा का रख के देख लेना घर पे पैतालीस है ना इसको करना ईमानदारी से करना और नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता कहा होगा तुम्हारा जिंदगी में आगे मैं जीरो रख के देखना नब्बे रख के देखना ये दो मान रख के आप खुद से देखोगे घर पे अलग अलग मान आएगा हल करना पड़ेगा ऐसे थीटा बराबर नब्बे रख के मुझे बताओ कितना आएगा चलो कमेंट नहीं देखूंगा मोबाइल फेंक देने का मन कर रहा है मेरा क्योंकि पढ़ाने का फिर मतलब है नहीं रहता ना कमेंट देखो तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी प्यार मोहब्बत तुम्हारे दिल के दर्द उसमें आते रहते हैं चलो आ, ए रुकना रे ददा आ, साइन थीटा साइन थीटा का एक रखेंगे साइन नब्बे कॉस नब्बे देखो एक जुगाड़ बताएं तुम्हें का साइन जीरो का मान जीरो होता है और साइन नब्बे का मान जीरो नहीं होता है फिर क्या होता है वन होता है उसी तरीके से कौश जीरो का मान जीरो नहीं होता है जो साइन का नब्बे का होता है वो कौश जीरो का होता है जो साइन जीरो का होता है वो कॉफ नब्बे का होता है तो ये जीरो होता है ऐसे आपकी भी आत्मा काम करने लगेगी जब धीरे धीरे करोगे ही रोज तो जब गुरुजी इसके लिए मारते थे मुझे याद है हाई स्कूल में ना याद करने के लिए ना तो रटते थे जाते थे खेत में चिखुरी बिनने चिकुरी जानते हो कितने लोग सुने हो नाम काफी लोग को नहीं पता होगा बताऊंगा भी नहीं मैं तो वहां जाते थे बिनते बिनते याद करते थे तो कभी कभी कब पूछते भी थे मम्मी लोग में को कावर अरे पता नहीं है गुरु जी आज बांडा डंडा इतना मारे है ना जानते ही नहीं सुने होंगे तुम लोग कुछ लोग सुने होंगे तो ऐसे याद होता है लेकिन आज आपको याद नहीं करना पड़ेगा आज हम आपको जुगाड़ बताएंगे याद हो जाएगा चलो तो उतना लात अगर तुम भी खाओगे तो आने लगेगा लेकिन हाँ मार नहीं खाते थे ऐसी बात नहीं बेजती की बात नहीं चलो देखो तो समझदार बच्चे थे तो साइन स्क्वायर नब्बे वन माइनस स्क्वायर नब्बे ये नब्बे तो कॉस नब्बे, नब्बे का मान जीरो साइन नब्बे का मान क्या होगा भाई साहब ये भाई गड़बड़ाया जाएगा का हो कैसे गड़बड़ाया जाएगा एक है हिम्मत कैसे आया ना बराबर कोई भी मान रख लो थीटा का अगर आपने मान सही तरीके से उसमें पुट किया और कैलकुलेशन किया तो बराबर आएगा कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत बुझा रहा है वो सही से में चल रहा हो। मेरा नाम नहीं लेते हो अनुज इनका नाम भी ले लिया करो थोड़ा बहुत तड़प रही काफी देर से हैरान है ये कहा नहीं लेते है इनका नाम हाँ ले लिया करो इनका नाम भी चलो इनका नाम लेने के बाद में और तुम मुझे यह बताओ कि थीटा बराबर जीरो रखने पर मान बताइए कितना आएगा एल एच एस आर एच एस बताओ कितना आएगा चलो बताओ <coughs> लास्ट में कहता हूं कि दस मिनट टाइम देता हूं सब सेटिंग वेटिंग कर लो अपनी जिनको जिनको सेट होना हो जाओ कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नहीं रोक सकता तुम्हारे माँ बाप तो रोक ही नहीं पा रहे हम क्या रोकेंगे लेकिन पढ़ाई में डिस्टर्ब ना किया करो बस बाकी हम कहा कहते हैं तुम बात ना करो या कुछ ना करो जो जो तुम्हारे मन में है सब कुछ करो लेकिन क्लास में ना करो बस समझ रहे हो कि नहीं आजकल बड़ी विडंबना है लोग शादी वादी करते हैं ना कहीं तो क्या कहते हैं कि आस पास पड़ोस में पता कर लो लड़का कैसे है लड़किया कैसे है यही होता है ना अरे तुम्हें क्या पता है उसके घर में कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसके माँ बाप उसके भाई बहन को नहीं पता कि वो मोबाइल में क्या देखता है क्या करता है किससे बात करता है तो तू तो गांव वाले से तो क्या पूछोगे बड़ी विडंबना है समझ रहे हो तो जब घरे वाले का नहीं पता माई बाप को नहीं पता तुम गांव वाले से क्या पता करोगे इसे नोट कर लें एक स्पेशल सीरीज आने वाली है इस चैनल पर जिसमें बिल्कुल फ्री दस वीडियो में पूरा बेसिक खत्म होगा ठीक है ये चीज आप स्पेशली याद रखें चैनल का नाम राजकुमार यादव सर मैथ्स है इस पर आने वाला है इसे सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पर सर्च करके आगे बढ़े ये सारे त्रिकोण मिति अनुपात हैं इनमें आप मुझे मान रख रख के हल करके बताओगे थीटा बराबर पैतालीस रख के बताओ कितना आएगा और थीटा बराबर तुम नब्बे भी रखोगे साठ भी रखोगे बताओ हल करके कितना आएगा चलिए मैं आपको बताता हूं कि इन मानों को याद ना करना पड़े इन्हें कैसे समझें वो बता देता हूं ठीक है आइए समझिए याद ना करना पड़े आपको आवाज अब देखा हो आज जैसे इधर मान लो मैंने फाइन ले लिया कौन इनमें मैंने ले लिया जीरो तीस पैतालीस साठ नब्बे ठीक है डन अब हम आपको बताएंगे एक बार में कि साइन पैतालीस का मान क्या होता है साइन नब्बे का मान क्या होता है साइन साठ साइन तीस साइन जीरो इनके मान कैसे निकालते हैं रटना नहीं है देखते रहना है मुझे भी और इसको भी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं एक तरफ से यहां से शुरू करेंगे जीरो वन टू थ्री फोर स्टेप याद रखना पहला स्टेप हो गया पहले स्टेप में नंबरिंग करेंगे यहां थोक रेट में मान निकलेगा एक एक नहीं निकलेगा नहीं इकट्ठा निकलेगा फिर फोर से सबको भाग करते हैं जो इनका कर सको कर लो आपस में तो ये जीरो आएगा जिनका कुछ ना कर सकना उनको वैसे लिख देना जैसे इनका पहले स्टेप में सबको फोर से भाग किया हल कर लिया दूसरे स्टेप में इन सभी का वर्गमूल करोगे सब का जीरो का वर्गमूल जीरो वन का वर्गमूल वन और फोर का टू वन का वर्गमूल वन एंड टू का हो जाएगा रूट टू जिसके सपने तुम देखते हो वो भी सपना देखता है जिसके सपने तुम देखते हो वो भी सपना देखता है और कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है कहां से याद आया यहां से इस पे दोनों पे रूट का चिन्ह लगा था लेकिन इसमें इसका वर्गमूल निकल सकता था तो इसका अलग से निकाल दिया गया ठीक इसका नहीं निकल सकता था इसके ऊपर टोपी लग गई ये दोनों साथ में ऐसे नहीं लगा रहेगा नहीं ये दोनों साथ में थे फिर भी जिसका निकल सकता था उसका निकल गया जिसका नहीं निकल सकता था वो अलग हो गया इसमें भी ऐसे होगा तीन का वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो रूट तीन ही रहेगा फोर का निकल सकता है तो टू हो जाएगा मतलब लगा यहां पे चिन्ह दोनों में साथ में है लेकिन हल होते समय ये ऐसा किया जा सकता है और वन का हो जाएगा वन है डन मान गए सारे खत्म चलो तो भाई साहब साइन जीरो का मान कोई पूछे जीरो का मान रूट तीन बटा दो साइन नब्बे का मान भैया वन बोलो है ना आसान रटना पड़ेगा नहीं चिन्नी ये बताओ तुम चाइना से आई हो क्या हुँ? चाइना से आई हो चाइना जाने वाली हो भैया कहे का नहीं बोला था हो। अब हाल चाल तुम लोग का टाइम दे दिक्कत नहीं है हम चला जाएंगे आंख बंद करके बैठ जाएंगे तुम कमेंट में कुछ भी लिखना कोई दिक्कत नहीं तो ये क्या हो गया साइन के सारे मान हो गए इसी तरीके से कॉस वाला मान निकालेंगे चलो देखो कॉस वाला जिनको नहीं समझ में आया वो अगला देखें हमारे बताया क्यों समझ में ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता कॉस वाला मान चल भैया जीरो तीस पैतालीस नब्बे में साठ नहीं है का समझना अब अगला समझना प्यार से देखना अभी लास्ट में ना तुम लोग को हम बात करने का एक मौका देंगे हाल चाल पूछेंगे अभी अपनी वाली का हाल तुम्हें बताएंगे कैसे कैसे है क्या क्या हो रहा है और तुम भी बताना तो तभी थोड़ा देर तफली रखो ना पढ़ लो तब तक अभी 11 बजे से बातचीत करेंगे हम लोग क्योंकि आज उससे लड़ाई हुई है ना इसलिए आप ही लोग से बात होगी देखो उसमें कहा था जीरो से फोर तक गिनती लिखोगे इसमें भी वही करोगे लेकिन उल्टा उसमें इधर से जीरो से फोर तक लिखे थे इधर को इसमें इधर से जीरो से फोर तक लिखेंगे बस फोर से भाग करे थे सबको फोर से भाग इसमें भी करेंगे हल करे थे इनको ऐसे 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 इसमें भी करेंगे वर्गमूल निकाले थे उसमें भी इसमें भी निकालेंगे वन अपान टू एंड जीरो देखो थोक रेट में माल मिल गया ना हम्म अब तुम्हें मैं और कैसे समझाऊं कौन सी भाषा में समझाऊं Cos जीरो का मान वन का मान रूट तीन बटा दो कौश 45 का मान वन अपान रूट टू कॉस साठ का वन अपान टू कौन नब्बे का मान जीरो याद करते करते ना दादा पर दादा बन जाओगे अगर रटोगे के बैठके कभी याद नहीं होगा प्रीति कुछ वहां समझ में आ रहा है आरती निशांत अच्छा एक चीज है जुड़ते हैं शुरू में लड़कों भी टाइम में बात करने कोशिश करते हैं खूब तरीके तरीके से फिर नहीं कर पाते भाग जाते हैं लास्ट में सिर्फ लड़कियां लड़कियां बचती हैं बस क्योंकि उनको पढ़ना भी रहता है एक चीज जानते हो लड़के बात करने के लिए अपना सारा काम छोड़ देते हैं सारा काम छोड़ के बात करते हैं और लड़कियां साथ साथ में खाना बनाते रहेंगी लगाए रहेंगी काम नहीं छूटने चाहिए काम पूरा करके तब बात करेंगी हम्म बात समझ नहीं पा रहे हो तुम सुने हो देखे हो कि नहीं मैं बोलना मत चाचा का लड़का है गांव गए हो समझ रहे हो और तुम्हें पता नहीं वो चाचा का लड़कवा नहीं उसके पहलका वाला भी हो सकता है कि बोल दिए गड़बड़ तो समझो सतर्क रहो सावधान रहो चलो आगे बढ़े तो ये सभी मान याद हो जाएंगे कौन साठ अंश का मान बताओ चलो कितना आएगा जल्दी बताओ कितना आएगा कितना आएगा बोलो ना फटाफट काहे शरमा रहे हो इतना काहे को शरमाते हो जी आजकल जहां शरमाना चाहिए लोग वहां नहीं शरमा रहे हैं वहां तो सब दिखा रहे हैं और जहां नहीं शर्माना चाहिए वहीं सारी शर्म दिखा देते हैं बताओ फटाफट कितना आएगा सुहानी रावत हम्म कमेंट आ रहे हैं भैया जब साइन कॉस का आ जाता है तो टैन का मान वहीं से अपने आप बन जाता है समझ रहे हो जैसे दुई पुराणी बिया हो जाता है लड़का अपने हो जाता है उसके लिए अलग से परोजन नहीं करना पड़ता है इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है साइन कॉस का अगर मान पता चल जाता है तो टैन का अपने आ जाता है बिल्कुल वैसे जैसे दो लोग का आपस में ब्याह शादी हो जाती है तो बच्चा अपने पैदा हो जाता है उसके लिए कोई प्रोजन नहीं होता है देखो जो एग्जाम्पल क्लास में बन जाता है ना वो क्लास के पहले सोचने पर भी नहीं बनता है चलो देखो कैसे जो मैं बताया उसको देखो कैसे जैसे रूट तीन बटा दुई होता है तो टेन तीस का मान अपने आ जाता है देखो कैसे क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस ये सूत्र होता है ठीक है तो साइन तीस का मान वन अपान टू और कॉस तीस का रूट तीन बटा दो सही लिखा हूं ना भाई साहब बहरे बहरे गुड़ा करो अंदर का अंदर में करो रूट दो का गुड़ा एक में होगा इसका इसमें होगा सीधा सीधा कहो दूस दुई काट दो तो एक बटा रूट तीन आ गया टैन का मान तो ऐसे होता है छापो फटाफट पट। ये तो एक एग्जाम्पल था इसी तरीके से आप टैन नब्बे का मान भी निकाल सकते हो मुझे बताओ कोई निकाल के कितना आएगा बहुत आसान है टेनबे का बोलो अब इतने अच्छे एग्जाम्पल से अगर ये ये नई जनरेशन वाली नहीं समझ पा रही है तो नहीं समझने वाली और अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल ना बताऊं तुम्हें रामायण महाभारत वाले एग्जाम्पल बताऊं तो नहीं समझोगे कहोगे फालतू बता रहे हैं वो तो दादी भी देखती हैं हम ऐसे थोड़े हम स्मार्ट जमाने के लोग हैं हाँ वो लोग तो पूरा कपड़ा पहनते हैं हम लोग तो वो कपड़ा पहनते जो लोग फेंक देते थे पहले समझ रहे हो होता था जानते हो कि नहीं कोई कपड़ा वगैरह पुराना हो गया फट गया इधर से फट गया उधर से फट गया लोग फेंक देते थे आजकल वो बिक रहा है दुकानों पे हर जगह फटा है कुल से हवा जानी चाहिए वो बिक रहा है फैशन में नए जमाने में सही बोल रहे हैं कि नहीं बनाया ही ऐसे जाता है वो नहीं तो पहले कपड़े दो अवस्था में फेंके जाते थे एक बहुत ज्यादा पुराना हो गया कलर वालर खराब हो गया खत्म हो गया दूसरा फट गया अब फटने में तो फेंका नहीं जाता है फटने पर तो फैशन में आ गया अभी मेरा जींस का पैंट एक बार थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था कूटने फट गया था तो मेरा एक दोस्त ने बताया अरे ये फटा है गड़बड़ नहीं हुआ है ये दुकान पर जाके कट करा लो दूसरा वाला भी फैशन में आ जाएगा समझ रहे हो चलते हैं फिर बस आज के लिए इतना ही क्लास खत्म हो चुकी है फिलहाल और किसी के मन में कोई सवाल है दिल में कोई तो बता दीजिएगा कमेंट करिएगा एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं पूरी कहानी क्या है देखिए जो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं वो पी स्टडी ऐप में क्लास को ज्वाइन कर लें ठीक है पी स्टडी ऐप में क्लास को ज्वाइन कर लें जिससे उनको पूरी क्लास मिल सके इंक्वायरी के लिए नंबर चल रहा है पूछें। अभी इस समय डीएलएड के कोर्स पे ऑफर चल रहा है अस्सी परसेंट तक डिस्काउंट चल रहा है अगर आप फुल कोर्स अच्छे से घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो पी स्टडी ऐप में इनरोल जरूर करें ठीक है ढंग से कम समय में पढ़ने के लिए बाकी YouTube पर तो ऐसे क्लासे होती रहेंगी आप पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे और हाँ किसी को कुछ कहना है तो बताओ बातचीत कर रहे थे ना आप लोग बताइए आप कहाँ से हैं जैसे आपकी क्लास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होती है मेरा नाम है राजकुमार यादव तो, और हम बिलोंग करते हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से तो कितने लोग सुल्तानपुर अयोध्या अमेठी प्रतापगढ़ से हो? बताइए तो ये देखिए समझिए और मैंने कमेंट में आपसे पूछा आपका जिला और राज्य का नाम अगर आप बताएंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे और नहीं बताएंगे तो हम जा रहे हैं आप लोग अपनी सेटिंग वोटिंग करते रहो फिर यहीं पे मत पढ़ो क्या करना ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड ठीक है बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को दिल से धन्यवाद कमेंट आ रहे हैं सभी के ठीक है आपकी इच्छा पूरी हो तो पाँच मिनट के लिए आपके पास टाइम है मैं चला जाऊंगा क्लास बंद हो जाएगी लेकिन चैट चलता रहेगा आप लोग अपनी सेटिंग वोटिंग कर लो और रोहित जी ब्लॉक नहीं करेंगे किसी को सभी फ्री हो जो ठीक है सुन रहे हो ना गाली गलौच नहीं करना अन्यथा ब्लॉक कर दिए जाओगे बस जो चैटिंग के लिए तड़प रहे थे चैटिंग वोटिंग कर लो अपनी फटाफट कर लो सभी चलो कोई इंक्वायरी है नंबर पर संपर्क करिए नंबर दिख रहे हैं जो भी